हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम गिव अवे होने वाला है, जिसमें हम दो लकी विनर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। एक विनर हम इस वीडियो में से और एक विनर आने वाले वीडियो में से सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं धनश्री और आपका मेरे चैनल धनश्री कुक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल से तीन बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज। पोषण आहार का यानी कि न्यूट्रिएंट डेंस डाइट का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और आपको आपका आहार कैसे बैलेंस करना है, इसके लिए मैंने पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे दबाइए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए करते हैं फटाफट से आज की रेसिपीज को स्टार्ट। सबसे पहले हम छिलटे वाली मूंग दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। क्वांटिटी आपको आपके हिसाब से लेनी है। तो चलिए अब हम फर्स्ट रेसिपी बनाते हैं, जो है मूंग दाल का डोसा। ये जितना ज़्यादा हेल्दी है उतना ही टेस्टी भी है। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। धनिया पत्ता हमें ऐसे स्टेम्स के साथ ही लेना है, उसको हमें फेंकना नहीं है। और ये हमारी 3 से 4 घंटे भिगोई हुई मूंग दाल। इसे बनाने से पहले हमें 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और उसमें डालेंगे भिगोई हुई मूंग की दाल। उसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, करी पत्ता। करी पत्ता अवेलेबल ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हम डालेंगे अदरक और हमारे फ्रेश धनिया पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और स्वादानुसार नमक। अब हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। ग्राइंड करते वक्त अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से एकदम फाइनली ग्राइंड कर लिया है। एक बाउल में निकाल लेंगे इसे और इसी के साथ मैंने और एक कटोरी मूंग की दाल को पीस लिया है। इसी के जार को चिपका हुआ बैटर निकालने के लिए हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। हमें इसमें डालना है 4 से 5 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप 4 चम्मच सूजी भी डाल सकते हो। इससे हमारे बैटर को अच्छी बाइंडिंग आएगी और इसका टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। अगर हमने सिर्फ मूंग दाल के डोसे बनाए तो वो बनाते वक्त टूट सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। हमें इस बैटर को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ज़्यादा पतला। बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, जो फ्लोइंग हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। पैन में हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद 3 से 4 चम्मच बैटर डालेंगे। अब हमें इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फैलाना है। बैटर स्प्रेड करते वक्त हमें चम्मच को उल्टा नहीं घुमाना है। दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से सेकना है। आपको कितना तीखा खाना पसंद है उसके हिसाब से आप मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप इसमें बैटर बनाते वक्त 1 से 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये डोसा हमारी कोई भी मील के लिए सबसे बेस्ट है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में कभी भी खा सकते हो। इसके एक सर्विंग से हमें सिर्फ 130 कैलोरीज मिलती है और उसी के साथ बहुत सारा प्रोटीन भी मिलता है। बनाने में भी ये उतना ही आसान है। मैंने इसे टोमेटो केचप और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे अपने मनपसंद की कोई भी चटनी या फिर अचार के साथ खा सकते हो। समर्था हाईस्कूल के सभी पदाधिकारियों का तथा शिक्षक और शिक्षकेतर सहकारियों का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास दिखाया कि मैं बच्चों को गाइड कर सकूं। और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी संख्या में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। हम बनाएंगे मूंग दाल की सब्जी। ये रेसिपी तो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और उसके गर्म होते ही उसमें 1 चम्मच सरसों डालेंगे। उसी के साथ 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। इनको कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है। और उसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे 1 प्याज। उसी के साथ नमक भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब उसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम उसमें भिगोई हुई मूंग दाल डालेंगे। मूंग दाल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें डालेंगे 2 कप जितना पानी। पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। भिगोई हुई मूंग दाल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो 5 से 7 मिनट में ही अच्छे से पक जाती है।
अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाए। और ये हमारी गर्मा गर्म मूंग दाल की सब्जी रेडी है। आप इसको चावल या फिर पराठा, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। तो अब हम बनाएंगे मूंग दाल खिचड़ी। ये खिचड़ी बनाना तो सबसे आसान है। आपको लेने हैं 2 कप चावल, उसमें हम डालेंगे 1 कप मूंग की दाल। अब हम इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। हमारे चैनल पे गिव अवे होने वाला है जिसमें हम 2 लकी विनर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो खिचड़ी बनाने के लिए हम कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसके बाद 1 चम्मच सरसों डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे, 1 से 2 हरी मिर्च भी डालेंगे। अब मैंने इसमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक डाला है। आप चाहे तो अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हो। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर। उसी के साथ हम 1 चम्मच नमक भी डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद भिगोई हुई दाल और चावल डालेंगे। चावल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें हम गर्म पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 6 से 7 कटोरी पानी डाला है। पानी को उबाल आने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2 से 3 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। तो ये हमारी एकदम हेल्दी, टेस्टी और झटपट बनने वाली मूंग दाल की खिचड़ी तैयार है। इस तरह से आप इस खिचड़ी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो और कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इस खिचड़ी को आप अपने लंच या फिर डिनर में इंक्लूड कर सकते हो। हम इसे सर्व करेंगे घी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और बेल आइकन दबाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में सेंड करना है और उसी के साथ अपना नाम भी भेजना है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं और ऐसी नई और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी खिलाइए और स्वस्थ रहिए।